चेकिंग सही नहीं है हाँ। और जेंट्स जो हैं हाँ। डुप्लीकेट लेडीज बन के बुर्का पहन के ऐसे ऐसे वोट डाल रहे हैं। मैं अभी वहाँ गया हूँ नौगांव में, अमरोहा में ये हो रहा है, अमरोहा में ये नौगांव हाँ। तो अभी मैंने बोला है डीएम को, तो आप कह रहे हैं पुलिस चेकिंग ही नहीं करी जिसके कारण कम फोर्स है वहाँ पर, फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं होने के कारण बुर्का पहन के लोग दो दो बार वोटिंग कर रहे हैं। वहाँ दो चार पुलिस वाले बैठे हैं हाँ। वो फोर्स कम है हमारे पास, फोर्स नहीं है, और जिसके कारण एक आदमी दो बार वोट कर रहा है, दो बार नहीं है, मतलब जिनकी वोटें नहीं है यहाँ पर वो जो लेडीज यहाँ नहीं है उसके लिए जो दूसरा जेंट्स बुर्का पहन लेता है वोट डाल लिया था, अभी उसको पकड़ा है हाँ। वहाँ पर नौगांव में हाँ। तो ये फोर्स की कमी है, आपने शिकायत की है सर? मैंने कर दी इसकी शिकायत। क्या चीज़ है, क्या शिकायत आपकी? आप माँ हमारे सपा के एक सतपाल यादव नेता है, उन्होंने बाकायदे अपने बूथ पर वोट डाल लेते उनको डिटेन किया, हमारे वर्कर्स को डिमोलाइज करने के, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, जनता एकदम। मुजफ्फरनगर के सांसद की तरह ही यहाँ भी जो सांसद है और बीजेपी के उम्मीदवार है वो बुर्का और मुस्लिम औरतों की बात कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के पास कुछ बचा तो है नहीं, तो इसलिए उनको तो पूरे कैंपेन में यही है, बुरखा हो, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ है नहीं। अच्छा, क्योंकि घूम रहे आप तमाम जगहों से, कहीं और से तो कोई किसी तरह की कोई खबर नहीं है? नहीं, ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, जनता ने डिसाइड कर लिया वोट करना। दानिश अली जो उम्मीदवार है बसपा के, क्योंकि मुजफ्फरनगर के जो सांसद थे और उम्मीदवार भी बीजेपी के संजीव बालियान, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही है। इसी तरह की बात अमरोहा के जो सांसद और बीजेपी के उम्मीदवार है, अगर अभी की बात करें कंवर सिंह तंवर, उन्होंने भी कहा है, लेकिन जो विपक्षी है या फिर जो दूसरे उम्मीदवार है वो इस बात को सीधे तौर पर नकार रहे हैं। इसमें दानिश अली का बयान भी आया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अमरोहा से मैं जी मीडिया के लिए शुभ रजा।